कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर कहीं भी जाकर काम करें जी, लेकिन जो अपना जन्म स्थान है वो हमेशा याद रहता है। बिल्कुल, अतः उस समाज को ताकत देने के लिए जो साहब ने बड़ा काम किया है, और मैं भी आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ पार्टी को भी और नेतृत्व को। बात मेरा पूर्ति की जाए क्योंकि आपकी इससे में आ जाती है क्या जाए विजय पताका फिर से लहरा जाएगी। फिलहाल हमारे लिए प्राथमिकता ये है कि हम किसान के लिए काम करें, सरकार में हम लोग शामिल हुए हैं, नौजवान के लिए हम लोग काम करें, दलितों पिछड़ों वंचितों के लिए हम काम करें। उत्तर प्रदेश सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार आज हाल फिलहाल में सहारनपुर आए हुए हैं। सहारनपुर जो है उनका एक निजी कार्यक्रम है, अपनी रिश्तेदारी में आए हैं, उनका जो स्वागत समारोह यहाँ पे किया गया, लेकिन उन्होंने जो है JD News से बात करने का जो एक रखा है कि जब हम बातचीत करेंगे और जो है आप सहारनपुर से चूँकि आप वास्ता रखते हैं, जन्म स्थान आपका सहारनपुर का है और जो है यहाँ पे भाई बराबर का गाँव उनका मैं भी कला है, सहारनपुर में जो है क्या विशेष हो सकता है जब आप जो है योगी कैबिनेट का हिस्सा है और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के मंत्री हैं, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी मंत्री से सहारनपुर को क्या लाभ मिल सकता है। इसके अलावा इनसे दो चार बातें रहेंगी, बातचीत करेंगे, चर्चा इनसे बात करेंगे कि जो है मंत्री जी बने हैं तो सहारनपुर को कहाँ देखते हैं, और माता शाकुंभरी का भी दरबार है यहाँ पे लगता है, उसके लिए क्या विशेष किया जा सकता है, तमाम चर्चा इनसे रहेंगी। जय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है JD News में। धन्यवाद मंत्री जी। शुरुआत हम ये से कहते हैं कि जय क्या कार्य आपने सहारनपुर में लगाया, परिवार आपका सहारनपुर बसता है, लंबा सफर आपने तय किया, कई बार आप विधायक रहे, हाल फिलहाल में आप जो कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, कैसे देखते हैं सहारनपुर के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सहारनपुर मेरी जन्मस्थली है, गाँव मेरा मईतारपुर है, और बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए, अच्छा लगता है। आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर कहीं भी जाकर काम करें जी, लेकिन जो अपना जन्म स्थान है वो हमेशा याद रहता है। बिल्कुल, तो आज विधायक मैं तीसरी बार हूँ, लेकिन आज मंत्री बनने के बाद, कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार जनपद में आया हूँ, और यहाँ तो रिश्तेदारी में आया हूँ मैं, एक निजी कार्यक्रम है मेरा जी। और अच्छा लगता है जब अपने जनपद में जाता है, अपने जनपद के पुराने लोग मिलते हैं, कुछ साथी जो साथ में रहे हैं, जो साथ में पढ़े हैं, कुछ क्लासमेट्स मिल जाते हैं, तो एक पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। ये बहुत अच्छा है। मान लो आदमी किसी भी जिम्मेदारी के पद पर चल जाए, कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन उसका एक निजी जीवन का भी एक दायरा होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब अपने जनपद में आते हैं। तो आज मैं जनपद में आया हूँ, अच्छा लगता है। अनेकों बड़े बुजुर्गों से, अपने साथियों से मुलाकात हुई है, आज पुराने लोगों से मुलाकात हुई है, तो अच्छा लगता है। भाई एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में मिले हैं आज चौधरी साहब ने, बड़ी जिम्मेदारी NDA सरकार में हमें बड़ी जिम्मेदारी मिली है, चुनौतीपूर्ण है जी जी जी, लेकिन ईमानदारी निष्ठा से निभाएंगे, और जो भी हो सकता है प्रदेश के लिए, जो भी अपने विभाग से हो सकता है वो भी करेंगे। मेरे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग है, इसमें दो यूनिट काम करती है, CST और रिमोट सेंसिंग। CST में हम लोग नक्षत्रशाला का निर्माण करते हैं और साइंस पार्क का निर्माण करते हैं बच्चों के लिए जी, और रिमोट सेंसिंग विभाग जो है वो एक शोध का केंद्र होता है, सैटेलाइट के माध्यम हम अनेक विभागों के लिए काम करते हैं जी। तो अभी मैंने, क्योंकि जो नक्षत्रशाला है जो उत्तर प्रदेश में है, दो तीन जगह है, गोरखपुर है, रामपुर जनपद रामपुर में है, और लखनऊ के अंदर है जी। अभी साइंस पार्क वगैरह और नक्षत्रशाला एक उसमें आगरा बनने जा रही है जी जी। तो ऐसे ही मैंने, जब से मैंने विभाग संभाला है, तो मैंने उत्तर प्रदेश के, मेरा टारगेट है उत्तर प्रदेश के मंडल स्तर पर कम से कम जो है एक साइंस पार्क और नक्षत्रशाला बने। तो प्रत्येक मंडल पे जो हेडक्वार्टर है जनपद का, उनके जिलाधिकारियों को हमने एक लेटर भेजा है जी, कि आप जो है एक ज़मीन हमें उपलब्ध कराएं जी, ताकि हम जो विभाग का, जो हमारा नक्षत्रशाला है जो हम लोग बनाने काम करते हैं, साइंस पार्क बनाने काम करते हैं, बना सके, तो बच्चों को टेक्निकल रूप से लाभ हो सके जी जी जी। सर, आप जब मंडल की बात कर रहे हैं, हालांकि ये कहने में भी आता है, कहावत भी है कि ये लखनऊ से चलते चलते जो विकास यहाँ पे बूढ़ा हो जाता है, और आप जो है चूँकि पश्चिम से वास्ता रखते हैं, सहारनपुर से वास्ता रखते हैं, क्या उम्मीद की जा सकती है कि जो विकास यहाँ पे जवान होकर आ जाए? नहीं, पश्चिम तो पहले से जवान है, विकास बूढ़ा हो जाता आता था ना विकास बूढ़ा है ना विकास बूढ़ा होता ना 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 पश्चिम देखो जवान है, पश्चिम वैसे भी संपन्न क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, एक योजनाएं जो मिल जानी चाहिए, भाईचारे वाला क्षेत्र है, और जागरूक लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। देखो, मान लो आप जो है पूर्वी हिस्सा भी हमारे उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, बुंदेलखंड भी हमारे उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन आप अगर आप तुलना करेंगे उन क्षेत्रों से और पश्चिम की, तो पश्चिम 21 है,
तो यहाँ के लोग जागरूक भी हैं, कारोबारी हैं, खेती बाड़ी वाले हैं, किसान हैं, मतलब हर व्यक्ति जो है वो युवा है, बुजुर्ग है, वो अपने आप में जागरूक है। सर आप खुद ही कह रहे हैं कि जब मंडल स्तर पर जो हमारे नक्षत्रशाला बनने के लिए हमने प्रपोजल रखा है, जिला अधिकारी से भी हमने कहा कि आप जमीन दे दीजिए, क्या सहारनपुर भी उसी श्रेणी में आता है या सहारनपुर के लिए बेहतर हो सकता है जब आप यहाँ से वास्ता रखते हैं? सहारनपुर भी देखो मंडल है हमारा, सहारनपुर हेडक्वार्टर सहारनपुर है, तो सहारनपुर जिलाधिकारी को लेटर हमने भेजा है जी। और देखो उसके लिए मान लो जब आदमी किसी राजनीतिक पद पे सुशोभित होता है जी, तो बहुत सारे विचार सामने से सोसाइटी से समाज से निकल के आते हैं जी, बहुत सारे सुझाव आते हैं, उन सुझाव पे चलना पड़ता है, वो राजनीतिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, व्यक्तिगत भी होते हैं। तो इसी रूप में मान लो जो भी हम लोग जनपद के लिए कर सकते हैं, कोई अच्छा प्रस्ताव हमारे सामने अगर आएगा तो निश्चित रूप से हम हमारे मुख्यमंत्री के समक्ष उसे रखेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे। मानसा कुमरिया यूनिवर्सिटी सहारनपुर में सरकार के द्वारा खोली गई, भाजपा सरकार ने के लिए सौगात देने का कार्य किया, शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को देने का कार्य किया, लेकिन यहाँ पे जो है मूल रूप से देखा जाए जो लकड़ी का जो उद्योग है, लकड़ी से मतलब है यहाँ पे जो वुड कार्पिंग का उद्योग है, क्या ये पाठ्यक्रम के रूप में भी है इस यूनिवर्सिटी में दिया जा सकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे युवा अपनी शिक्षा को लेकर, परंपरागत शिक्षा को लेकर जो उस क्षेत्र में वुड कार्पिंग क्षेत्र में एक बड़ा आयाम स्थापित करें, उसके लिए कोई प्रयास? सही बात है, वुड कार्पिंग एक बड़ा फैक्टर जनपद सहारनपुर के लिए है और ODOP में मान लो हमारा ये प्रोडक्ट भी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जी, जी, जी। और एक मतलब यहाँ जो वुड कार्पिंग के रूप में जो प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं हमारे लोग यहाँ सहारनपुर के लोग, बड़ा यहाँ कारोबार है और इसका जो है एक्सपोर्ट भी बहुत होता है बाहर। और ये देखो पाठ्यक्रम में लेना इसको, ये वैसे तो पॉलिसी मैटर है जी जी। लेकिन यदि कोई प्रस्ताव अगर आगे आएगा आपकी तरफ से कुछ अगर मान लो, देखो मान लो हमारे सामने मान लो जनता की तरफ से जनपद सहारनपुर की तरफ से अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो उसमें निश्चित रूप से गौर करेंगे। प्रस्ताव आना तो जनता का विषय है, लेकिन आप जो चूंकि सहारनपुर से वास्ता रखते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ से मिली है, श्यामली मुजफ्फरनगर तमाम बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे, क्या आपको नहीं लगता है ये अच्छा है? अगर अगर वो एक पाठ्यक्रम में अगर वो ऐड होता है तो उस कारोबार में भी वृद्धि होगी, उसमें एक नए आयाम जो है पैदा होंगे। ये अच्छा सुझाव है आपका जी, जी, काम करना चाहिए। बात सियासत की कर ली जाए, सियासत की बात अगर हम करें, चौधरी अजीत सिंह ने तमाम बार जो इस मुद्दे को उठाने का काम किया कि जो छोटे प्रदेश बन जाए, हरित प्रदेश बन जाए, हाल फिलहाल में जो इस तरह की चर्चा भी सामने आ रही है कि जो उत्तर प्रदेश के जो है 4 हिस्से होने जा रहे हैं, तो चूंकि आप जो रालोद से हिस्सा रखते हैं, रालोद के हिस्से के आप जो कैबिनेट मंत्री हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से हो जाने चाहिए? और चौधरी अजय सिंह की जो सपना था, ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्या उस पर काम होना चाहिए? नहीं देखो, राष्ट्रीय लोकदल का ये मुद्दा जरूर रहा है, लेकिन फिलहाल हमारे लिए प्राथमिकता ये है कि हम किसान के लिए काम करें, सरकार में हम लोग शामिल हुए हैं, नौजवान के लिए हम लोग काम करें, दलितों पिछड़ों वंचितों के लिए हम काम करें, जिनकी पहुंच सरकार तक नहीं है उनको सरकार की पहुंच में लाने का हम लोग काम है, और प्राथमिकता ये है, वो हमारा विषय भी नहीं है। मान लो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग इस बात की मांग जरूर करते हैं, लेकिन अभी वो हमारा विषय नहीं। हमारा विषय है कि हम किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवा साथियों के लिए हम लोग काम करें। आदरणीय चौधरी जैन जी को स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट मिला है, बिल्कुल सर, युवा से जुड़ा डिपार्टमेंट है, प्रधानमंत्री जी भी उस पर विशेष फोकस है, बजट में भी उस सबसे ज़्यादा फोकस जो है स्किल डेवलपमेंट पे रहा है। कल प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया है लाल किले के प्राचीर से, वहाँ भी उन्होंने कहा है कि मेरा सबसे मनपसंद डिपार्टमेंट स्किल डेवलपमेंट है, मैं चाहता हूँ कि इस देश के बच्चे स्किल्ड हों, अलग अलग प्लेटफॉर्म में वो अलग अलग हुनरबंद हों, ताकि वो जाएँ, वो प्रशिक्षण लेकर जाएँ और जो भी काम करना चाहते हैं उस काम को बेहतरी से करें और अधिक से अधिक जो है देश में राष्ट्र का सहयोग करें और अपने लिए भी उसमें 2 पैसे कमाने का काम करें। उपचुनाव के अगर हम बात करें, मीरापुर उपचुनाव जो है गठबंधन के हिस्से में आ रही है, आपके हिस्से में आ रही है, कैसे देखते हैं इस चुनाव को, जो है क्या तैयारी वहाँ पे की गई है जिससे जो है विजय पताका लहराई जा सके राष्ट्रीय लोकदल की? देखो उपचुनाव 10 सीटों पर है, 5 सीटें उसमें NDA गठबंधन की है और 5 समाजवादी पार्टी की सीटें हैं। और अगर हम अपने जनपद की बात करें तो मीरापुर विधानसभा हमारी लोकदल की सीट है, वहाँ हमारा लोकदल का MLA था चंदन चौहान जी, वो अब MP हो गए हैं, तो वो तुम्हारी सीट है ही है परंपरागत, वो वहाँ तो लोकदल ही लड़ेगी। और बड़ी स्ट्रेटेजिकल रूप से NDA जो परिवार है हमारा, वो बहुत स्ट्रेटेजिकल तरीके से चुनाव को लेकर काम कर रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भी जिम्मेदारी मीरापुर में प्रभारी मंत्री के रूप में दी है। हम लोग भी लगातार क्षेत्र में लोगों के संपर्क में हैं और हर पॉइंट पे चुनाव को लेकर उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कई बैठक इसमें ले चुके हैं और टारगेट ये है कि हम 10 की 10 सीटें कैसे जीतें, ये सरकार का पूरा एम हमारा। बात मीरापुर की जाए क्योंकि आपकी इससे आ जाती है, क्या जाए विजय पताका फिर से लहरा जाएगी? 100% नलका जीतेगा, वहाँ हैंडपम्प जीतेगा, 100% जीतेगा, कोई संशय नहीं है। लोकसभा की अगर हम बात करें, लोकसभा चुनाव में जब गठबंधन हो जाता है, राष्ट्रीय लोकदल का जाए भाजपा का गठबंधन हो जाता है और रिजल्ट जाए अनुरूप नहीं आता, केवल 2 सीटें जाए राष्ट्रीय लोकदल को जो मिल जाती है उसमें चुनाव जीत जाते हैं राष्ट्रीय लोकदल, लेकिन बीजेपी को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया जिसके लिए बीजेपी उम्मीद कर रही थी, एक आक्षेप भी आप पे लगाया कि अपना लाभ ले लिया और बीजेपी को कुछ नहीं दिया। नहीं नहीं, वो जो आक्षेप जो आप जिस आक्षेप की आप बात करें, वो आक्षेप जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगा, वो विपक्ष ने लगाया है कटाक्ष करने के लिए। और ऐसा नहीं है, देखो राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक मजबूत धुरी है, राजनीतिक धुरी, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल जिसके साथ जाता है उधर ही राजनीतिक हवा बहती है। हार जीत अलग विषय हो सकता है, उसके कई और कारण हो सकते हैं, उसका कोई ऐसा कारण नहीं कि राष्ट्रीय लोकदल के आने से हमें कमजोरी मिली। राष्ट्रीय लोकदल के आने से राष्ट्रीय लोकदल को मजबूती मिली है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है। हार के कारण वो समीक्षा का विषय है, समीक्षा उस पर हो भी रही है, एनडीए स्तर पर भी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी उसकी अलग समीक्षा कर रही है, हम लोग उसकी अलग समीक्षा कर रहे हैं, वो अलग अलग विषय है। अनिल जी, अगर हम बात करें सहारनपुर जनपद जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा जनपद है और मंडल माना जाता है, लेकिन सहारनपुर में बेहद कमजोर दृष्टि से देखे जाते हैं राष्ट्रीय लोकदल को, आखिर इसका कारण क्या है? राष्ट्रीय लोकदल जो है यहाँ पे बहुत मजबूत होकर क्यों नहीं उभरती? कप्तान हमारे साथ में बैठे हैं या कैसा सलीम जी, ये भी बड़ा प्रयास करते हैं लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए राष्ट्रीय लोकदल को। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो जब से हम सरकार में शामिल हुए हैं संगठन की मजबूती के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज मेरा दौरा जहाँ बैठे हैं यहाँ तो निजी कार्यक्रम है मेरा, लेकिन आज सुबह जब हम लोग आए तो नौरत्ता में बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ है, पार्टी कार्यकर्ताओं ने कराया, अध्यक्ष जी ने वहाँ कराया है, राव केसर साहब ने। उसके बाद गंगो में एक बड़ा स्वागत कार्यक्रम हुआ, बड़ा प्रोग्राम हुआ, एक कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए, उनसे टच बनाने के लिए हम लोग यहाँ आए थे, पार्टी की मजबूती के लिए आए थे, अपने जो विचारधारा है किसानों से जुड़ी हुई उस बात को लेकर हम लोग यहाँ आए थे। तो पार्टी का संगठन पर लगातार काम कर रहा है, पार्टी एक मजबूत होकर उभरेगी बहुत जल्दी। कैबिनेट विस्तार जब हो जाता है, कैबिनेट विस्तार में जब अचानक से नाम आता है अनिल कुमार को कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, तमाम राष्ट्रीय लोकदल के पूरा जो विधायक है उसमें से एक नाम निकल कर जाता है अनिल कुमार जी का कैबिनेट मंत्री के लिए, बड़ी हैसियत देने का कार्य आप जय जयंत चौधरी जी करते हैं, कैसा महसूस करते हैं अनिल जी कुमार जी? जैसा मैं मतलब जो है क्या कहना चाहेंगे जयंत सिंह जी के, जयंत जी के लिए क्या शब्द निकलते हैं आपके मन से, क्या उद्गार आप? जब जिस दिन कैबिनेट का विस्तार हुआ 5 तारीख में, 5 मार्च को, 4 मार्च को मेरे पास फोन आया चौधरी साहब का कि अनिल कहाँ हो, मेरे का साहब मैं क्षेत्र में हूँ। उन्होंने कहा मजाक के लहजे में, सूट वूट सिलवाया आपने? सूट तो सब नहीं मैं पहनता। वो कहने लगे ठीक है लखनऊ की तैयारी करो, और अनिल मैं तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा हूँ और ये निर्णय मैंने बहुत सोच समझ के लिया है और उम्मीद करूँगा अगर पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरोगे। तो मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, मतलब उनका आभार व्यक्त करने के लिए जो शब्द हैं डिक्शनरी में वो शायद छोटे पड़ते हैं। इतना बड़ा काम उन्होंने मेरे लिए नहीं, ये अनिल कुमार को लिए नहीं कर रहा, अनिल कुमार के उस समाज के लिए जो समाज राजनीति में बहुत समय से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था, उस समाज को ताकत देने के लिए चौधरी साहब ने बड़ा काम किया है। और मैं भी आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ पार्टी को भी, नेतृत्व को भी, कि जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, जो सोच समझ कर जो उन्होंने समझा है कि भाई अनिल को हम जिम्मेदारी है, जो आकांक्षा है या जो उनकी है उनके मन में है बात, उसको पूरी करने के लिए जी जान से क्षेत्र में लगा हुआ हूँ मैं, लोग काम कर रहे हैं पार्टी के, लोगों के पार्टी को मजबूत करने काम कर रहे हैं और हर आकांक्षा पर उनकी हर बात पर खरा उतरने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा। अंतिम सवाल आपके दरबार है कि युवा जो आपसे उम्मीद रखते हैं सहारनपुर या पश्चिम के, जो किस तरह से आप जो है उन्हें देखते हैं, क्या विशेष हो सकता है जब अनिल जी जो है कैबिनेट मंत्री हो चुके हैं? युवा हमारे छोटे भाई हैं और जब कोई व्यक्ति बनता है तो उम्मीद रखते हैं, और जब वो सरकार में एक बड़े ओहदे पर जाता है तो खाली वो मेरे अपने जो संबंध सर्किल के लोग हैं वही नहीं, पूरे प्रदेश के युवा जो है कि एक आस की किरण से देखते हैं कि नहीं भाई
एक अपना व्यक्ति बना है तो शायद हमारी बात सरकार तक ज़्यादा पहुंच सकेगी, क्योंकि एक माध्यम होते हैं हम लोग भी, सरकार में पहुँचाने के विभाग की जिम्मेदारी निभाना अलग चीज़ है, लेकिन सरकार तक सही बात पहुंचाना भी बड़ी बात होती है। तो जो भी भावनाएं हैं हमारे युवा साथियों को, उनको हम सरकार तक पहुँचाने का काम भी करेंगे और उन पर सरकार भली भांति काम भी कर रही है। आज तमाम सभी जो साहब अपने डिपार्टमेंट के लोग युवाओं के प्रशिक्षण के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, और महाराज जी सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, वो भी एक रोजगार को लेकर एक बड़ा काम कर रहे हैं, किसानों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। और सरकार में विशेष बात ये होती है कि भाई साझेदारी भागीदारी सभी लोगों को मिले। आज आप देख लो कि एनडीए की सरकार में, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, कि हर समाज को उनके हिस्सेदारी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से मिली हुई है। यही बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी बात यही होती है राजनीति। चलिए, बातचीत करने के लिए जनरल साहब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, और मंगल कामना आपको जो है उस शिखर पर आप जो है पहुँचे जिसके आप पथिक हैं, और लंबी दूरी आप तय करें राजनीति। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।